गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड चैलेंजेस। सो गाइज आज मैं करने वाली हूँ मिस्ट्री ब्रशेस प्लस रैंडम मेकअप चैलेंज। सो ये इसके रूल्स क्या है और मैं कैसे करने वाली हूँ या फिर मैं कर पाती हूँ या नहीं, सो ये देखने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मेक श्योर टू कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज अब देख लेते हैं इस गेम के रूल क्या होने वाले हैं। सो क्योंकि इसका नाम मिस्ट्री ब्रशेज है, सो ये मिस्ट्री कैसे होने वाले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये रहे मेरे ब्रशेज सारे एंड ये रहा मेरा मेकअप, फाउंडेशन, आई शेडो, हाईलाइटर, ब्लश, लिपस्टिक, प्राइमर, एवरीथिंग आई हैव। सो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सबको अपने इस बैग में डालूंगी। तो मैं पिक करूँगी वन बाय वन। सो जो भी मेकअप प्रोडक्ट निकलेगा वो मुझे उस ब्रश के साथ अप्लाई करना होगा जो भी मेरा ब्रश निकलेगा। लाइक मैंने एक मेकअप प्रोडक्ट निकाला, देन मैं एक ब्रश पिक करूँगी। सो जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो मुझे वो मेकअप उस ब्रश के साथ अप्लाई करना होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं ये ब्रशेस डाल रही हूँ इस बैग में एंड माई मेकअप। तो मैं फर्स्ट अपना मेकअप प्रोडक्ट पिक कर रही हूँ जो भी निकलेगा। गाइज ये हाइलाइटर निकला है बट वो ब्रेक हो गया है, बट कोई नहीं। सबसे पहले हाइलाइटर, वो भी एक बफिंग ब्रश के साथ, पता नहीं क्या होने वाला है। सो अभी मैंने अपना वो डाला था ना सारा मेकअप बैग में, तो टूट गया वो सारा इधर से, कोई नहीं। नेक्स्ट मैं पिक करने वाली हूँ, नेक्स्ट इज फाउंडेशन, थैंक गॉड। थैंक गॉड मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, जो भी आपके सामने बैग रखा हुआ है एंड ये निकला है फाउंडेशन के लिए दिस ब्रश एंड दिस इज फाउंडेशन। नेक्स्ट मैं पिक कर रही हूँ मेरा थर्ड मेकअप प्रोडक्ट, दिस आई शेडो पैलेट। ब्रश देखते हैं गाइस क्या निकलता है। ओह माय गॉड, पाउडर ब्रश से आई शेडो। ओके सो मैं सिंगल शेड ही पिक करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज लाइनर एंड ब्रश। सो गाइज इस ब्रश से मुझे लाइनर लगाना है।
गाइज मेरा लाइनर कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मेरा आई शेडो ख़राब हो गया था, सो मैंने इस लाइनर को ही स्मोक आउट कर लिया है। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने मिरर यूज़ किया था, मैंने अंदर से कुछ नहीं निकाला है, मैंने अपना सेपरेट मिरर यूज़ किया था। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं पिक करने वाली हूँ एंड दिस इज़ मैं ये आई शेडो पैलेट यूज़ करती हूँ अपने आईब्रोज़ के लिए एंड थैंक गॉड ब्राउज के लिए मेरा ब्रश ये आया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट इज कंसीलर। सो ब्रश मैं पिक कर रही हूँ गाइस, कंसीलर के लिए मुझे ये ब्रश मिला है, आई जो आई मेकअप के लिए यूज़ होता है। सो मैं कंसीलर इसी से लगाने वाली हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। आई होप सो कुछ अच्छा मिले क्योंकि गाइज बहुत वियर्ड ब्रशेस मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट इज ओके, ओ माय गॉड गाइज, फाउंडेशन एंड कंसीलर के बाद प्राइमर कौन लगाता है? ओके सो वैसे तो प्राइमर के लिए ब्रश यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल मैं देखती हूँ कि किससे लगा सकती हूँ मैं। ओके तो प्राइमर के लिए ये ब्रश निकला है मेरे पास। ओ माय गॉड, नेक्स्ट इज पाउडर। ओ माई गॉड, कॉम्पैक्ट पाउडर एंड इसके लिए देखते हैं कि क्या निकलता है। वाओ गाइज, थैंक गॉड कि फैन ब्रश निकला है, पाउडर ब्रश। सो ये बहुत इजीली काम करेगा। ओके ब्लश, आई गॉट अ ब्लश एंड दिस ब्लश ब्रश। वाओ गाइज, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, जो भी रैंडमली मेरे हाथ में आ रहा है उनसे मैं वो मैंने निकाल रही हूँ। थैंक गॉड पाउडर एंड ब्लश जो है लास्ट में निकले।
सो नेक्स्ट लास्ट आई थिंक लिपस्टिक रहती है एंड ब्रश भी एक ही रहता है, तो मैं निकाल लेती हूँ साथ में जो भी निकला है. ऑलराइट, सो ये आई शेडो ब्रश है, इट्स अ पेंसिल ब्रश. सो ये लिपस्टिक के साथ निकला है मेरा. देख सकते हैं आप गाइस कि ये बैग पूरा खाली हो चुका है. सो इफ यू लाइक माई दिस मेकअप लुक, प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड यू कैन ऑल्सो कॉमेंट बिलो वॉट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू वॉन्ट टू सी इन माई फर्दर वीडियोज. टिल देन बाय.